हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरस्कार और सम्मान 2019 के, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में गांधी जी की 150वीं जयंती पर किसे मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छ भारत अम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया है। स्वच्छ भारत की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। हाल ही में किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब होगा रवीश कुमार को। रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। किसे बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा पीएम मोदी को। पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया। इन अवार्ड के अलावा इन अवार्ड को भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली पत्रकार महिला अवार्ड कन्फ्लुएंस एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा कैली पुरी को। कैली पुरी को यह सम्मान दिया गया है। गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा पायल जागीड। पायल जागीड को यह सम्मान दिया गया। हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने किस फिल्म को ऑस्कर 2020 के भारत की आधिकारिक प्रविष्ट फिल्म के लिए चुना है? इसका सही जवाब होगा गली बॉय। गली बॉय में एक प्रसिद्ध डायलॉग था, अपना टाइम आ गया है। हाल ही में AIIF द्वारा किसे वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा पीटी उषा को। पीटी उषा को यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन में 2 पुरस्कार जीते हैं? इसका सही जवाब होगा नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिए गए हैं और बधाई हो के लिए भी यह पुरस्कार इन्हें दिया। हाल ही में UN में वैक्सीन हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा शेख हसीना को। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, जो कि 4 बार वहां की प्रधानमंत्री बन चुकी है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? इसका सही जवाब होगा राजी को। राजी को दिया गया है। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट जी को दिया गया है और बेस्ट अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है। हाल ही में किसे ब्रिटेन में मैग्नेसी फैसेंट फॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सोनू निगम को। सोनू निगम को यह अवार्ड दिया गया है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाल ही में किस अभियान ने पाटा गोल्ड अवार्ड 2019 जीता है? इसका सही जवाब होगा अतुल्य भारत अभियान ने। हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों को यह सम्मान दिया गया है, जेफरी को एंड्रयूड को, दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार यादव को। विनोद कुमार यादव को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा यूसुफ हमीद को। यूसुफ हमीद को यह सम्मान दिया गया है। यह सिप्ला के चेयरमैन हैं। हाल ही में 40वें सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रदीप दास को। प्रदीप दास को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के किसान के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2020 के लिए इस फिल्म को नामांकित किया गया है। हाल ही में फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द जायज सेकंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा नवदीप सूरी को। नवदीप सूरी को यह सम्मान दिया गया है। और जायद फर्स्ट का सम्मान पीएम मोदी को दिया गया था। हाल ही में किसे एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा आनंद कुमार को। आनंद कुमार को यह अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया गया है।
और इनके नाम पर अभी हाल ही में फिल्म बनी है सुपर 30, जिसमें किरदार निभाया है ऋतिक रोशन ने।